नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के 10 सुपर फास्ट खबरों के। आज देव दीपावली में हिस्सा लेने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी, 6 लेन हाईवे का भी करेंगे उद्घाटन। यूपी के रामपुर में दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी देवरनिया के उमेश अहमद की तलाश में लगी पुलिस के हाथ अब भी खाली। आपको बता दें कि देवरिया थाने में शनिवार को दर्ज हुआ यह मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रदेश भर में पहला मामला है। लव जिहाद कानून पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कहा आपाधापी में लाया गया अध्यादेश, सरकार करे पुनर्विचार। यूपीपीसीएस प्री परीक्षा का रिजल्ट रद्द, अब नए संशोधित रिजल्ट में 1131 अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से हो गए हैं बाहर। वाराणसी में पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने पोती काले, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। यूपी के आगरा में गृहमंत्री अमित शाह का भांजा बनकर विधायक से ठगी की कोशिश में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। ताजनगरी आगरा में मेट्रो का शिलान्यास टला, बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर तक घोषित हो सकती है नई तारीख। यूपी के सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर विकास भवन के NIC में 29 ग्रामीण अंचल की सड़कों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शिलान्यास, 10,37,351 रुपए से तैयार की जाएंगी सड़कें। यूपी के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। महोबा के सुगिरा कुलपहाड़ अन्ना पशुओं की समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। बार बार अधिकारियों के आदेश के बावजूद सुगिरा गांव में अन्ना पशुओं को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है। अन्ना पशु दिन रात खुले में विचरण कर रहे हैं, जिससे गाँव वाले बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आज तड़के राप्ती सहित पवित्र नदियों में कार्तिक पूर्णिमा का पवित्र स्नान प्रारंभ हो गया है, जहां इस दौरान श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं द्वारा अन्न दान कर सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की गई। तो ये थी उत्तर प्रदेश के इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए अभी मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के साथ उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से भी आप रह सके अपडेट।